हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। और आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर वन जो हम पढ़ रहे थे नोइंग अवर नंबर्स, उसकी 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, अभी तक हमने 1.2 एक्सरसाइज कर ली थी, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस प्लस माइनस वाले सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 एस्टिमेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि एस्टीमेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं। उसमें हमें प्लस माइनस भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आपके पास कोई भी नंबर हो, मैंने आपको बोला कोई भी नंबर हो 22, अगर मैं इसका एस्टीमेशन या राउंड ऑफ बोलूँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एस्टीमेशन बोलो चाहे राउंड ऑफ बोलो। तो अगर मुझे इसका एस्टीमेशन लेना है तो आप क्या कहेंगे, 22 जो नंबर है वो किसके पास होगा, 20 के ज़्यादा पास होगा या 30 के ज़्यादा पास होगा? तो हम क्या कहेंगे इसमें, 22 जो नंबर है वो 20 के ज़्यादा पास होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एस्टीमेशन क्या कर देंगे कि 22 का जो एस्टीमेशन है वो क्या है, 20। ऐसे ही हम, जैसे मैं और कोई एग्जांपल दे दूँ, अब की बार मैं आपको बोलूँ 29, अब आप बताइए 29 जो नंबर है वो 20 के ज़्यादा पास होगा या 30 के ज़्यादा पास होगा? तो आप कहेंगे वो नंबर किसके पास होगा, 30 के ज़्यादा पास होगा। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। पूरे एक्सरसाइज में आपको एस्टिमेशन लेना है। एस्टिमेशन में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपके पास नंबर 1, 2, 3 या 4 हो लास्ट में, तो हम जो एस्टीमेशन लेते हैं वो पीछे वाला लेते हैं। और अगर हमारे पास नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 होगा तो हम आगे वाला एस्टीमेशन लेंगे, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे। हमारे पास 22 था तो लास्ट में क्या है, 2, तो 2 नंबर है लास्ट में तो हम पहले वाला लेंगे, मतलब 20 एस्टीमेशन लेंगे। और अगर हमारे पास 29 था तो लास्ट में 9 नंबर है तो हमने कौन सा एस्टीमेशन लिया, 30। तो हम इस एक्सरसाइज में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 730 प्लस 998। ठीक है, 730 और 998 में आपको दोनों के एस्टीमेशन लेने हैं पहले, उसके बाद आपको प्लस करना है। आप 730 का एस्टीमेशन लेके देखिए कि 730 में यहाँ पर क्या नंबर है, आप बताइए यहाँ पर क्या नंबर है, 730। तो जो 730 है वो किसके ज़्यादा क्लोज होगा, अब आप बताइए, 7 आ जाता है तो हम किसके क्लोज लेंगे उसे, नेक्स्ट वाले के। तो नेक्स्ट वाले का मतलब है, सॉरी, आप 7 को नहीं देखना, आप यहाँ पे किस नंबर को देखना है, आपको 13 बाद वाले डिजिट को देखना है, क्योंकि पहले वाला नंबर तो चेंज होता है ना। तो आपके पास 730 है, 730 में आप इस नंबर को देखिए, ये नंबर जो है वो पूरा 3 है, 3 जो है वो पहले वाले के ज़्यादा करीब होगा, तो इसका जो एस्टिमेशन होगा राउंड ऑफ होगा वो कितना हो जाएगा, 700। ऐसे ही 998 में देखिए, ये क्या नंबर है, 98, तो 98 जो है वो हमारा 100 के ज़्यादा पास होगा, तो 100 के ज़्यादा पास होगा तो ये जो नंबर है वो कितना बन जाएगा, 1000, क्योंकि आपको पता है 998 के बाद तो 1000 ही आएगा ना। यहाँ पर हमें कितना ले लेना है, 1000 ले लेना। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1700, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, जो हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, वो है 796 माइनस 314। देखिए, इसमें भी हमें एस्टीमेशन ही लेना है, और एस्टीमेशन हमें कैसे लेना है, आगे का नंबर देखिए 96 है, 96 जो नंबर है वो किसके ज़्यादा क्लोज होगा, अपने नेक्स्ट वाले की। तो यहाँ पर तो 700 में है, तो 700 के बाद क्या आ जाएगा, 800, तो यहाँ पर किसके ज़्यादा पास होगा, वो 800 के, या माइनस है तो हमें माइनस लगाना है 314 में क्या है, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, 14 है ना, तो 14 किसके ज़्यादा क्लोज होगा, 100 वाले नंबर के ज़्यादा क्लोज होगा ना। यहाँ पर एस्टिमेशन कैसे बैठेगा, या तो इसका 300 एस्टिमेशन होगा या फिर 400। अब आप बताइए, 400 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 14 जो है वो 300 के ज़्यादा पास है, तो इसका एस्टीमेशन कितना हो जाएगा, 300। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 300, और हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 8 में से 3 माइनस किया 5,
और ये दो जीरो, तो इसका आंसर कितना हो गया 500। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी का ही सी पार्ट है। ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर प्लस टू थाउजेंड एट हंड्रेड एटी एट। अब देखिए इसमें हमें क्या लेना है, राउंड ऑफ लेना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा 10,000 वाली डिजिट आई है, ठीक है, तो हम ये नंबर को नहीं लेंगे, इस नंबर के लिए देखेंगे कि यहाँ पर कितना एस्टिमेशन बैठेगा। देखिए ये 904 है, तो 904 जो होता है वो नंबर 9 आ गया। आपको पता है कि 9 जो है वो उसके लिए हम आगे वाले डिजिट को ही लेते हैं, तो 12,000 के बाद आगे क्या आएगा 13,000, और बीच में क्या है प्लस प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है 2,888, इसमें क्या है यहाँ पर देखिए क्या नंबर आया है 8, तो अगर यहाँ पे 8 आया है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 की जगह 3,000। देखिए ये आप इसी नंबर से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर 5, 6, 7 या 8 या 9 होगा तो हमें एस्टिमेशन जो है वो बाद वाला लेना है, और अगर 1, 2, 3, 4 होगा तो एस्टिमेशन पहले वाला लेना है। अब इन दोनों के बीच में प्लस था तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 0, 0, 0, 0, 0, 0, यहाँ पे भी कितना है 0, 0, 0, 3 में 3 प्लस किया 6 और ये 1 एज इट इज़ हो गया। आई होप ये आपको एस्टिमेशन समझ में आ गया होगा। देखिए हम अभी इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमें क्या बोला गया है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। मतलब हमें एक बार तो एस्टिमेशन जो है वो 100 में लेना है और दूसरी बार जो एस्टिमेशन है वो 10s में लेना है। तो देखिए हमें इसमें दो बार एस्टिमेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 439 प्लस 334 प्लस 4317। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेके चलते हैं, 100 वाला एस्टिमेशन लेके चलते हैं, ठीक है। 100 वाले एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें 100 वाली वैल्यू के आगे वाला नंबर देखना होता है हमेशा, ठीक है। 100 वाली जो भी आपको एस्टिमेशन दिया उसके आप नेक्स्ट वाला नंबर देखिए, वो नंबर अगर 1, 2, 3, 4 होगा तो हम पहले वाला एस्टिमेशन लेंगे, और 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो बाद वाला एस्टिमेशन लेंगे। जैसे इसमें क्या है 439 में 3 है तो हम पहले वाला एस्टिमेशन लेंगे, मतलब 400 लेंगे, प्लस 334 में 100 प्लेस को छोड़ के सेकेंड एस्टिमेशन सेकेंड डिजिट क्या है 3, तो हम कौन सा वाला एस्टिमेशन लेंगे, पहले वाला, मतलब 300। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमें 100 वाले डिजिट देखनी है और उसके बाद वाला नंबर देखना है, हमें 1000 वाले डिजिट से अभी कोई मतलब नहीं है। तो हमें 100 नियरेस्ट लेना है तो उसके बाद वाली डिजिट देखनी होती है, तो 3 के बाद 1 है, 1 होना का मतलब क्या होता है, हम पहले वाला एस्टिमेशन लेते हैं तो यहाँ पे हम 300 लेंगे, तो क्या बन जाएगा 4300, और इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 437। पहले आप 0 से प्लस करिए, 0, 0, 4, 3, 7, 7 और 3, 10, और यहाँ पे 5 में 1 कैरी ऐड किया 5000, तो ये कितना आ गया 5000 आ गया। अब हमें क्या लेना है, 10s में नियरेस्ट लेना है, ठीक है। 10s में नियरेस्ट लेने का मतलब क्या है, हमें कौन सी वैल्यू देखनी है, सिर्फ 10s वाली वैल्यू देखनी है और कोई वैल्यू नहीं देखनी। जैसे 439 था क्वेश्चन में, प्लस 334 प्लस 4317, तो 39 में 10s की कौन सी वैल्यू है 3, तो हमें उसके बाद वाला नंबर देखना है, तो 3 के बाद 9 है, इस मीन्स हमें जो एस्टिमेशन लेना है वो बाद वाला लेना है, तो कितना हो जाएगा ये 440। देखिए 100 प्लेस पे चेंज नहीं करना, सिर्फ 10s वाली प्लेस पे चेंज करना है, प्लस 3 के बाद कौन सा नंबर है 4, तो 4 के लिए हम क्या लेंगे, पहले वाला एस्टिमेशन लेंगे 330 प्लस 4317 में एस्टिमेशन हमें 10s वाला लेना है, मतलब 10s वाला तो ये नंबर है, उसके बाद वाला नंबर देखते हैं ना हम, यहाँ पर क्या है 7 है, तो 7 के लिए हम बाद वाला एस्टिमेशन लेंगे, मतलब 4320, तो यहाँ पर इन सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, लास्ट में 0, 4, 3, 7, 7 और 2, 9,
437, 703, 10 और 4 में 1 प्लस किया 5, तो कितना आया 5090। तो हमें इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व करने हैं, दो बार लेना है, एक बार 100 में आप लेके सॉल्व करेंगे और एक बार नियरेस्ट 10 में लेके सॉल्व करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमें राउंड ऑफ ही निकालना है, बट अब की बार क्या है मल्टीप्लाई। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 578 मल्टीप्लाई 161, तो राउंड ऑफ तो वैसे ही लेना है जैसे आप ले रहे हैं, बस अब की बार क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 578 में देखिए पहला नंबर 5 है, आपको सेकंड नंबर देखना है क्या है 7 है, तो 7 है तो एस्टिमेशन बाद वाला लेना है आपको, बाद वाले से मतलब 500 के बाद कितना आता है 600 मल्टीप्लाई 161 में, सेकंड नंबर क्या है 6, मतलब बाद वाला एस्टिमेशन लेना है मतलब 200, और 6 में से 200 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, बाद में कितने जीरो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर कितना हो गया 120,000। एक और क्वेश्चन हम इसका एक्सरसाइज का और ले लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया 5,281 मल्टीप्लाई 3,491। देखिए एस्टिमेशन जो है हमें बताया नहीं 100 में लेना है 1000 में लेना है, तो हम अपने हिसाब से जो हमें आसान लगता है हम उस हिसाब से ले सकते हैं, तो हमें 1000 आसान पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगी तो हम 1000 में लेते हैं। तो 1000 में एस्टिमेशन के लिए 1000 वाले प्लेस के बाद वाले डिजिट को देखना होता है, बाद वाले डिजिट कितनी है यहाँ पे 2, तो 200 के लिए फर्स्ट वाला एस्टिमेशन लेना पड़ेगा, मतलब 5000 मल्टीप्लाई 3000 प्लेस के डिजिट है, उसके बाद के डिजिट आपको देखनी है कितनी है 4 के लिए हमें फर्स्ट वाला एस्टिमेशन लेना है मतलब 3000, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और यहाँ पे कितने जीरो हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, तो आपको ऐसे ही एस्टिमेशन लेना है चाहे प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो। अगर यहाँ पे डिवाइड का क्वेश्चन भी होता तो उसे भी हम ऐसे ही सॉल्व कर दे, और आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। और इसके बाद की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।